हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की। हाँ दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो DU एग्ज़ाम को लेकर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल आज जो है दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जो है उन्होंने कहा है कि जो भी दिल्ली सरकार के कॉलेज है उसमें सभी छात्रों को जो है प्रमोट कर दिया जाएगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर के छात्र हो, सेकेंड ईयर के छात्र हो, चाहे थर्ड ईयर के छात्र हो। तो दोस्तों ये साफ साफ उनका कहना था। तो अब जो है हम इस पर चर्चा करेंगे कि DU का आखिर कौन सा वो कॉलेज है जो दिल्ली सरकार के अंदर आता है, आखिर उसमें भी जो है प्रमोट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि DU से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों आज जो है मनीष सिसोदिया ने जो है साफ कर दिया है कि जो भी थर्ड ईयर के भी छात्र हैं फाइनल ईयर, वो दिल्ली सरकार के अगर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी जो है पिछले मार्क्स के बेस पे या फिर असाइनमेंट के बेसिस पे जो है उन्हें नेक्स्ट ईयर में जो है प्रमोट कर दिया जाएगा और जल्द ही उन्हें जो है डिग्री भी जो है दे दिया जाएगा। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं वो न्यूज़ आखिर क्या क्या है, उसमें क्या क्या कहा गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। तो ये देख सकते हैं ये जो न्यूज़ है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द, बिना एग्ज़ाम के जल्द ही दी जाएगी डिग्री, मनीष सिसोदिया। ये जो है मनीष सिसोदिया ने कहा है आज। तो हम पूरा एक बार न्यूज़ पढ़ लेते हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा रद्द कर दी हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी आगामी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि सभी बच्चे को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सभी यूनिवर्सिटी को फाइनल एग्ज़ाम कैंसिल कर छात्रों को इवेल्यूशन का कोई पैमाना तैयार कर डिग्री जल्द दे देने के लिए कहा गया है। कोरोना की वजह से परीक्षा लेने और डिग्री ना देना अन्याय होगा, ये निर्णय स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए है, यानी कि जो दिल्ली सरकार के जो कॉलेज है उन्हीं के लिए है सिर्फ। तो सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली के अंदर आने वाले सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए केंद्र को निर्णय लेना है। इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि दिल्ली सरकार जैसा फैसला देश की दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी लिया जाए। यानी कि जो CM है दिल्ली के, उन्होंने जो है प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि जैसे दिल्ली के बाकी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने किया है, वैसे ही जो है बाकी यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ भी वैसे ही किया जाए, सभी छात्रों को जो है प्रमोट कर दिया जाए। उनका यही कहना था। किन किन यूनिवर्सिटी में होंगे एग्ज़ाम, DU का क्या है स्टेटस, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत न्यूज़ है। तो इसको एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय हैं IP यूनिवर्सिटी, ध्यान से पढ़िएगा, IP यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, DTU व अन्य सभी में परीक्षाएं नहीं होंगे। तो ये जो है कॉलेज जो कि दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, बाकी और भी कई कॉलेज है DU का जो दिल्ली सरकार के अंदर के आता है, जैसे भीमराव अंबेडकर कॉलेज, ARSD भी हल्का सा आता है, बाकी कॉलेज ऑफ आर्ट्स आता है, बाकी और भी कई कॉलेज है। तो ये देख सकते हैं, हालांकि बात अगर दिल्ली विश्वविद्यालय की करें तो इसके अंतर्गत आने वाले दिल्ली सरकार के कॉलेज के बारे में फैसला केंद्र सरकार को लेना है। तो ये भी फैसला जो है केंद्र सरकार को ही लेना है, ये जो है दिल्ली सरकार नहीं ले सकते हैं खुद से। तो मालूम हो कि DU के 12 ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने दिल्ली सरकार 100% फंड करती हैं और 16 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें दिल्ली सरकार 5% फंड करती है, यानी कि 100% जो है 12 कॉलेज को जो है फंड करती है दिल्ली सरकार और बाकी जो 16 विश्वविद्यालय हैं उसमें सिर्फ 5% ही फंड करती है। तो ऐसे में जो है वो फैसला नहीं ले सकता है। हालांकि DU के केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इसमें सभी के लिए केंद्र ही फैसला लेना है। तो DU जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए सभी का जो फैसला लेना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है लेगी। दिल्ली सरकार मानती है कि जो भी सेमेस्टर पढ़ाया ही नहीं गया उसकी परीक्षा लेना सही नहीं है। इसके साथ ही सिसोदिया पहले भी कह चुके हैं कि यह कोरोना काल है और ये बड़े फैसले लेने का वक्त है, ऐसे में महामारी सबसे बड़ी प्राथमिकता का जान को बचाने का है। तो यही था जो है हमारे शिक्षा मंत्री और हमारे CM का कहना था। तो उम्मीद है कि आपको जो है कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। दरअसल DU का जो फैसला लेना है वो हमारे जो है
सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि कह सकते हैं कि आप जो है हमारे जो शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, उनको लेना है और उन्हीं को फैसला करना है कि आपका जो फाइनल ईयर के छात्र का एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा। बाकी यही अपडेट था, बाकी अभी और भी कोई नया न्यूज़ नहीं आया इसको लेके। बाकी और भी कोई अपडेट होगा तो आपको हम वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।